बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं और मोहब्बत को अल्फाज में नहीं लहजों में तलाश करो। अल्फाज तो मुनाफिकीन के भी बहुत मीठे होते हैं और हर माजरत करने वाला न खतावार होता है और न कमजोर। ये सिर्फ तो वफादार लोगों में पाई जाती है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाते हैं। और कुछ लोगों को हमारी जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ ये देखने आते हैं कि हम उनके लिए किस हद तक मुफीद साबित होते हैं। और कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत ही बदल देते हैं। और कामयाब लोग अपने होंठों पर दो चीजें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। खामोशी मसाइल से दूर रहने के लिए, मुस्कुराहट मसाइल के हल के लिए। और अगर आपका जमीर और नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। इंसान अपनी जिंदगी में गुजरता हुआ वक्त तो नहीं देख सकता, लेकिन इस गुजरे हुए वक्त में बहुत कुछ देख लेता है। और कभी नहीं सुना कि इंसान को उसकी आजिजी ले डूबी। इंसान को हमेशा उसका तकब्बुर ले डूबता है। और इन दो आदमियों से हमेशा होशियार रहना, एक वो जो तुम में वो ऐब बताए जो तुम में नहीं, दूसरा वो जो तुम में वो खूबी बताए जो तुम में नहीं। और गलत कहते हैं जो कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है दोस्त, ये मौत है जो सिर्फ एक बार मिलती है। और कुछ लोग अपने लम्हे संवारने की खातिर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। कभी कभी जिंदगी में रोने के लिए इतनी वजूहात होती हैं कि हम अंदाजा ही नहीं कर पाते कि असल वजह कौन सी है जो हमें अंदर तक दर्द दे रही है। दिमाग इल्म हासिल करता है तो बोलने लग पड़ता है, मगर जब इल्म दिल पर उतरता है तो चुप लग जाती है। हमें बहुत से इल्म के मुकाबले में थोड़े से अदब की ज्यादा जरूरत है। आजकल लोग वफादार कम और अदाकार ज्यादा हो गए हैं। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, बल्कि जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हों मगर अपने ज़र्फ़ में वुसअत, लहजे में नरमी और तबीयत में इनकसारी ना पैदा कर पाया हो। इंसान अजीब है, जब दिल भर जाता है तो वो सब बातें जमा करना शुरू कर देता है जिनको बुनियाद बनाकर राह फरार इख्तियार कर सके और खुद को तसल्लियां दे सके। और कहते हैं दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो हर कोई बड़ी करता है। इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं, मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है।